हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। एंड आज हम लोग आए डिफरेंट स्टैप स्टेशन। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं बियर टेस्ट करने एंड यहाँ पर फूड एक्सप्लोर करने। देखते हैं कैसा होगा आज का एक्सपीरियंस। आपको मैं पूरा डिटेल बताऊँगा यहाँ पर क्या कितने रुपए से क्या कितने रुपए तक का है, क्या प्लेस वर्थ विजिटिंग है, सब आपको मैं आपको बताऊँगा। क्यूट स्टे क्यूट। गाइस, हम यहाँ पर ड्रिफ्ट स्टैप स्टेशन पहुँच गए और यहाँ पर हमने मंगाया टॉप फोर उनके जो सिग्नेचर बियर है। यहाँ पर हम टेस्ट करके इसके हिसाब से हम मंगा सकते हैं बियर। बिल्कुल। तो बाकी चारों में से हम लोग ने चार टेस्टर ट्राई किए, तो चारों टेस्टर में से ये ड्रिंक हम लोग को बहुत अच्छा लगा बियर में। यहाँ पर हम लोग को लिस्ट दिया है, उसका नाम है ये थर्ड वाला टी वी, जिसको बेल्जियन बीट बोलते हैं। तो सब जो ड्रिंक थे वो थोड़े मतलब लाइट थे या फिर बीटर साइड थे। तो ये जो ड्रिंक था ये मतलब बीच में था, मतलब बीटर भी ज़्यादा नहीं था, थोड़ा लाइट भी नहीं था। मतलब जैसे हम लोग को बियर का जैसा चाहिए वैसा एकदम परफेक्ट था, वैसा चाहिए जैसा चाहिए था वैसा ही था। तो और हम ट्राई करने जा रहे हैं कुल्छा बॉल्स। तो देखते हैं, काफ़ी शफिंग ज़्यादा काफ़ी लग रही है हमें, देखते हैं कैसा होगा टेस्ट। आपको पूरा बता दें पहला स्टार्टर स्टफ कुल्चा बॉल्स, देख के तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है, तो देखते हैं कैसा है ये। तो ये वेज में कि नॉन वेज में? ये वेज में, वेज में इसमें पनीर है, चीज़ है। बहुत अच्छा है, इसमें पूरा फीलिंग से चीज़ का और पनीर का आप अंदर देख सकते हैं, मैरिनेशन किस तरीके से किया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आओगे एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। सो गाइज, मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ पनीर स्टफ कुल्चा बॉल्स। एंड ये कुल्चा बॉल्स काफ़ी गर्म था, मैं आपको वही कैमरे पर दिखाने की कोशिश कर रहा था। और इसके जो प्राइसेस है, जो भी मैं डिश ट्राई करने वाला वो जोमेटो पर अवेलेबल है, तो मैं रिव्यू डाल के उसका लिंक जो है जोमेटो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो पनीर स्टफ कुल्चा बॉल्स हमने खा लिया है, काफ़ी अच्छा था वो। और अभी हमने ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया है प्रथम? एक प्रॉन्स किया ना ऑर्डर हम लोग ने अभी। तो फिलहाल पनीर का डिश आ गया हम लोग का, सेकंड हम लोग का एक चिकन का चिकन चिल्ली डिश कुछ है उसका नाम, और थर्ड डिश हम लोग का प्रॉन्स का है। प्रॉन्स का नहीं है, सॉरी फिश का है, फिश कासुंदी फिश आई गई, कासुंदी फिश। तो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं हम लोग, जैसे प्रॉन्स फिश चिकन पर वेज नॉन वेज और सी फूड तीनों ट्राई कर रहे हैं। थोड़ा बीटर है, अच्छा ये स्लैंग IPA देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा था ये वाला, अच्छा था। तो ये लास्ट वाला है जिसका नाम है स्टाउट, तो देखिए बहुत टेम्पटिंग तो लग रहा है ये बियर, क्योंकि इसमें चॉकलेट और कॉफ़ी है। तो लेट्स सी कैसा है इसका टेस्ट। ऑसम मैन ऑसम, ये बहुत अच्छा है। तो हम लोग के हिसाब से तो हम लोग ये या फिर ये दोनों में से कोई ट्राई करने वाले हैं। सेकेंड है फिर अभी क्या करते हैं हम लोग, फिर अभी आते हैं हम लोग स्टार्टर्स में, तो स्टार्टर ट्राई करते हैं कैसा है देखते हैं। स्टार्टर का नाम था काफिर लैम चिकन टिक्का। तो इसका टेस्ट तो अच्छा है, चिकन भी बहुत फ्रेश है इसका, लेकिन बस थोड़ा सा सार टेस्ट है, क्योंकि लाइम से तो आप समझ सकते हो कि ये थोड़ा सा सार तो होना ही चाहिए। चलिए आते हैं फिर कासुंदी फिश टिक्का पे। देख सकते हो कितना ये सॉफ्ट है, कितना मतलब जैसे मैं फूक डाल रहा हूँ ऐसे टूट जा रहा है ये, वेरी डेलिकेट, बहुत डेलिकेट। देख सकते हो कितना डेलिकेट है, मतलब जैसे मैं फूक डाल रहा हूँ ऐसे टूट जा रहा है। लेट्स सी टेस्ट कैसा है।
बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब चिकन से ज़्यादा मेरे को फिश अच्छा लगने लग गया है। तो फिश लवर के लिए मस्ट फिश लवर के लिए मस्ट ट्राई है। क्या नाम है करना? क्या नाम है डिश? बासुंदी फिश। बासुंदी फिश टिक्का। सो ऑल द फिश लवर्स आउट देयर, दिस इज अ मस्ट ट्राई फॉर एवरीवन। जरूर ट्राई करना, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा प्लेस है ये ब्लॉग था ट्रिप स्टैप स्टेशन के बारे में। ये था फूड जर्नी ट्रिप स्टैप स्टेशन का। सो हम लोग का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो
जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर बाजू में बेल आइकन होगा तो उसके भी दबा दीजिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बी एन जी फूड ब्लॉग।